नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास नाइन्थ के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास नाइन्थ के मैथ के एक्सरसाइज 14 से है, और चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, और बुक का नाम है RS अग्रवाल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि हमें जो है एक ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करना है, और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, और इसी के साथ बोला गया कि इस बेस पर जो हाइट है वो कितना है, तो 14.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, तो 14.5 सेंटीमीटर। तब जो है हम लोग को इस ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया। देखिए सॉल्यूशन गिवन, बेस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा 1/2 बेस इनटू कोरेस्पोंडिंग हाइट, बॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ देखिए 1/2 बेस कितना है, तो बेस जो है 24 है, तो 24 इनटू कोरेस्पोंडिंग हाइट कितना है, तो वो जो है 14.5 सेंटीमीटर है। तो आप लिखते हैं 14.5 और लास्ट में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के रूप में होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि इस डेसिमल को जो है हटा लेते हैं, तो होगा नीचे में 10 होगा, और यहाँ देखिए 5 से जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 10 और 5 9 45। अब इसी के साथ देखिए जब 2 से जो है 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और फिर इस 2 से जो है जब इस 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पर लिखेंगे 29 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा 29 × 6 कितना होता है, तो 174, और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और उस बेस पर जो हाइट है वो कितना है, तो 14.5 सेंटीमीटर है, और ये जो है अपना आंसर आ गया।